हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक और दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। आने वाला जो वीक है 28 मई से लेके 1 जून में जो वीक है उसमें मार्केट कैसा रहेगा हम लोग देखेंगे। और लास्ट वीक में भी जो मार्केट था कैसा मीन्स कैसा सपोर्ट लिया मार्केट ने या मार्केट ने क्या क्या किया वो भी हम लोग देखेंगे। आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे रहेगा, क्या लेवल्स रहेंगे, क्या लेवल पे हमको ट्रेडिंग करना चाहिए। और जो स्टॉक के बारे में आपने पूछा था वो स्टॉक के बारे में भी मैं बात करूंगा और मेरे कुछ स्टॉक मैं बताऊंगा। जैसे मेरे को रिक्वेस्ट किया था बहुत सारे व्यूअर्स ने कि आप भी एक दो स्टॉक बताए, तो मैं भी मेरी तरफ से कुछ बताऊंगा जो नेक्स्ट वीक में एक्शन में आएंगे, ऐसे कोई मैं दो स्टॉक आपको बताऊंगा। तो हम लोग टोटल यहाँ पे हमारे चार्ट पे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी को भी। और मेन थिंग कि नेक्स्ट वीक जो है कि एक्सपायरी वीक है, तो एक्सपायरी कहाँ पे हो सकता है, एक्सपायरी में मार्केट कैसा हो सकता है और कौन से रेंज के अंदर एक्सपायरी होगा, ये भी हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, हम लोग जाके डायरेक्ट चार्ट पे देखेंगे कि ये आने वाला वीक अपने लिए कैसा रहेगा। तो चलिए चार्ट पे जाके देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी निफ्टी से चालू करते हैं ए वीक का वीकली व्यू। तो हम लोग निफ्टी में देखेंगे, तो ये वीकली चार्ट में पहले देखते हैं कि जो निफ्टी है वो कैसा दिख रहा है अपने को वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट में एक बाइंग प्रेशर कैंडल आया और लोग हम लोग डेली में देखते हैं अभी। तो डेली में जैसा कि लास्ट वीक में मार्केट यहाँ से कवर हुआ था लास्ट वीक के दो लास्ट डेज में, तो मिस थोड़ा सा सरप्राइज लगा सबको कि यहाँ से कैसे हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन देखते हैं, मैं आपको थोड़ा नया कुछ सिखाता हूँ जैसे आप बोलते हैं एजुकेशनल वीडियो के बारे में, तो ये वीकली व्यू में भी मैं कुछ आपको सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कि अगर हम इसको लाइन चार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट था और इसको मैं अभी कैंडलस्टिक करता हूँ। तो बरोबर यहाँ पे सपोर्ट लिया था जो लेवल है 10429, जहाँ पे उसने उसके नीचे क्लोज या ओपन नहीं दिया, एक बार एक दो बार नीचे गया था लेकिन वो एक लेवल था, वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर आ गया। तो अगर आप एक सपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा कैंडल है 26 अप्रैल को आया था, एक इसका भी बेस लेके मार्केट वहाँ से ऊपर आ गया है। तो एक ये जो एक मार्केट के लिए एक बॉर्डर ये जो है सपोर्ट है। उसके बाद अगर आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो यानी कि अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर सप्लाई डिमांड आप बोलेंगे तो यहाँ पे मार्केट को एक नीचे सपोर्ट और ऊपर एक रेसिस्टेंस एक प्रॉपर आ रहा है। तो ये जो मार्केट का करंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा, फिर भी अभी ये जो वीक है ये एक्सपायरी वीक है, तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी वीक में मार्केट कहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है। तो थोड़े ये जो बॉर्डर मार्केट हो गए तो मैं थोड़ा नियर वाले भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखता हूँ। ये जो है 10519, उसके बाद जो मिडल्स वाला आता है एक सपोर्ट है, ये मिडल्स वाला है। बाद में रेसिस्टेंस भी कुछ और नेचर के मैं निकालता हूँ, जैसे कि ये जो कल का हाई था देखिए कि सामने वाला कैंडल के बरोबर ही उसने हाई बनाया, ये भी एक उसके लिए रेसिस्टेंस है। देन ये वाला रेसिस्टेंस है और एक रेसिस्टेंस बनता है। तो जैसे कि मार्केट वैसे भी एक्सपायरी डेट है लेकिन एक्सपायरी वीक है, फिर भी ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम ऊपर या नीचे वापस जा सकता है, कि जैसे कि इंट्राडे में भी बहुत सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं। तो उसमें से कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं लगा रहा हूँ एज पर मेरा प्राइस एक्शन। तो अगर मार्केट अभी क्लोज हुआ है 10,600 के आसपास क्लोज हुआ है, तो लेकिन उसका नज़दीक वाला सपोर्ट जो बनेगा वो है 10,568, देन 10,519 मीन्स 10,500, जो पहले भी सपोर्ट अच्छा था, एक बार ही उसके नीचे मोस्टली उसने क्लोज दिया। ये जो लेवल था 10,465 ये भी एक सपोर्ट है। तो मोस्टली देखा कि हमने 10,500 बहुत ही अच्छा सपोर्ट था लेकिन वापस वो ब्रेक करके वापस उसने उसके ऊपर क्लोज दिया है, तो ए टाइम भी वो 10,500 अच्छा सपोर्ट हो सकता है एक्सपायरी तक। तो ये जो हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं नज़दीक के मैंने सपोर्ट निकाले और रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं। तो और भी हम लोग देखेंगे कि इसके अपना ऑप्शन चेन के ऊपर जाके कि
ऑप्शन चेन में ये एक्सपायरी के लिए क्या पोजीशन बने हुए हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ, तो देखिए कि हम लोग कॉल साइड में देखेंगे पहला। तो कॉल साइड में यहाँ पे देखिए कि 10,800 में 52,95,000 ये सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट भी इसमें ज़्यादा ऐड हुआ है। तो मोस्टली 10,800 आने वाले एक्सपायरी के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा कोई स्टॉक इसमें जो है उसके बाद है 11,000 है, वो पहले भी था मार्केट के लिए, लेकिन अभी जो नया बना है 10,800 जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सपोर्ट क्या है मार्केट के लिए। तो हम लोग पुट साइड में देखेंगे पुट्स कौन से राइट्स हुए हैं ज़्यादा। तो पुट जो राइट्स हुए हैं अभी तक जो है 10,500 के पुट राइट हुए और उसमें नया पोजीशन भी ऐड हुआ है। देखिए कि ये जो है कि 12,975 जो पुट ऐड हुए हैं, यानी कि मोस्टली अभी 10,500 बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है मार्केट के लिए और रेसिस्टेंट 10,800 जो भी एक्सपायरी मोस्टली एक्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये भी एक 300 पॉइंट का मूवमेंट है। एक्सपायरी आने तक और भी ये बन सकते हैं, सपोर्ट और रेसिस्टेंट बन सकते हैं और कुछ टूट भी सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट के लिए एक्सपायरी के लिए ये लेवल्स रहेगा कि इसके बीच में मोस्टली एक्सपायरी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी है ओवरऑल जो इसका एक ट्रेंड लाइन बना था उसने तो ब्रेक किया नहीं, और जो अभी फ्राइडे का कैंडल देखते मैं ये लेवल क्लियर करके नया लेवल्स निकालूंगा। बैंक निफ्टी में देखिए कि जो एक सपोर्ट था ए वाला, अगर हम लोग इधर लगाते हैं तो हम लोग यहाँ लगाते हैं तो ये जो था 25,685 का जो सपोर्ट था मोस्टली वहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है और बैंक निफ्टी ने भी अच्छा रिवर्सल दिया है यहाँ पे। और जो रेसिस्टेंस है अभी बैंक निफ्टी का जहाँ से सेलिंग आया था ये लेवल बहुत ही बड़ा है, यानी कि अभी बैंक निफ्टी वापस ऊपर जाएगा तो 26,577 का उसको एक नज़दीक रेजिस्टेंस लग सकता है। और जैसा कि यस्टरडे हाई आल्सो एक रेजिस्टेंस ही होता है 26,321, यानी कि फ्राइडे का, यस्टरडे में फ्राइडे का। और सपोर्ट जो है ए वाला, तो नज़दीक वाला जो मार्केट के लिए नज़दीक वाले जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है 26,321 और ए जो है 26,577 और नीचे जो सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट अच्छे तरह सपोर्ट ले गया था 25,685 एक अच्छा सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है 26,955 यानी कि 27,000 ऑलमोस्ट। तो 27,000 और 25,600 सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो एक बॉर्डर यानी कि एक्सपायरी तक शायद होने चाहिए। ये तो मैं थोड़े नज़दीक ही दिया, तो बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है तो ज़्यादा ऊपर नीचे भी जा सकता है। तो थोड़ा मैं और एक ये लेवल निकालता हूँ जो 25,413 है, तो ये भी और एक सपोर्ट निकालता हूँ क्योंकि एक्सपायरी है तो नेक्स्ट वीक थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि जो स्टॉक के बारे में आपने पूछा था उसके बारे में मैं फटाफट अपने व्यू भी देता हूँ। ये व्यू जो है मेरे पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर व्यू है, कोई बाय और सेल मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो कैलाश साहिनी करके उन्होंने पूछा था मुझे जेट एयरवेज के बारे में, तो मैं जेट एयरवेज का चार्ट देखता हूँ। तो ये जेट एयरवेज बहुत ही नीचे गया है, बहुत ही डाउन में है और इसका जो सपोर्ट आता है ये जो है कि 365, तो ए लेवल पे ही उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, इन बिटवीन अप डाउन होते रहेगा। और ए सपोर्ट पे आता तो बाय कर सकते हैं, टॉप लॉस 346 का है। दूसरा कि मोस्टली जो एविएशन कंपनीज हैं मोस्टली क्रूड ऑयल का उसके ऊपर रहते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल जितना भी ऊपर जा रहा है तो देखिए कि ये नीचे आ रहा है उतना। तो ऐसे स्टॉक में आप अगर बाइंग करते हो तो क्रूड ऑयल का प्राइस के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सॉरी वरना क्या हो सकता है कि मोस्टली ये सपोर्ट वगैरह भी तोड़ सकता है। उसके बाद उन्होंने पूछा था मुझे कलश ने स्टार के बारे में, तो स्टार जो है ये भी बहुत ही नेगेटिव स्टॉक है, यहाँ पे नज़दीक में एक सपोर्ट है उसका, वो जो है 332 और 304 का स्टॉप लॉस है। एलआईसी हाउसिंग के बारे में पूछा था उन्होंने,
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है ये भी बहुत नीचे आ गया है। ओके, थोड़ा बड़ा करके देखना चाहिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का कोई मुझे देखना पड़ेगा कि सपोर्ट तोड़ा है कि नहीं। अच्छा, सपोर्ट पे ही खड़ा है, एक सपोर्ट पे खड़ा है, थोड़ा सपोर्ट लिया है इसने। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल भी दिया है। तो अगर इसको जो है 468 का सपोर्ट पे अभी ये बाइंग में है और उसका टारगेट ऑलमोस्ट ए लेवल तक आ सकता है 547। उसने सपोर्ट भी लिया, अच्छा। तो मिस नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में शायद ये चल सकता है, यहाँ से उसका रनिंग चालू हो सकता है। बट 468 इसका टॉप लॉस कंसिडर करना, एक सपोर्ट लिया है इस स्टॉक ने। उसके बाद देखते हैं कि सविता पी करके उन्होंने मुझे पूछा था BEML के बारे में। तो BEML मैं देखता हूँ, तो BEML जो कि इसने अपना एक सपोर्ट तोड़ा है और जो कि उसने वो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना के ले रहा है, तो शायद इसका और नीचे आने का इरादा दिख रहा है। तो इसका भी फिलहाल इसमें बाइंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एज पर मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ, शायद वो कल पॉजिटिव भी आ सकता है, ऐसे नहीं कुछ बोला हूँ। लेकिन उसका सपोर्ट जो है बहुत नीचे है अभी, 3836 के इधर है। लेकिन इसने एक सपोर्ट तोड़ा है तो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा BEML के मुझे लग रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में पूछा है, तो फ्यूचर कंज्यूमर का जो स्टॉक है उसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन है और सेलिंग ही है, वैसा कुछ खास नहीं है। सपोर्ट इधर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक बार सपोर्ट लिया था, अभी सेकंड टाइम आएगा। तो इतना क्यों इतना वो कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। बाय करना तो 50 के आसपास बाय करना पड़ेगा, 48 का उसका टॉप लॉस रहेगा। अशोक लेलैंड के बारे में देखते हैं, उन्होंने ही पूछा था। तो अशोक लेलैंड का जैसा कि पहले ही कुछ बनाया था, जो उसके लेवल बनाए थे, तो उसके बारे में देखिए कि अशोक लेलैंड तो कवर हो गया है, लेकिन ये लेवल पे थोड़ा सा उसको रेसिस्टेंस है। तो अगर आपको बाय करना है तो एक बार 147 के ऊपर जाने के बाद ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर क्लोज होता है तो ही बाय कर सकते हैं। अगर नीचे आएगा तो 133 को बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसको वेट करना पड़ेगा बाइंग के लिए। वैसा स्टॉक का मूवमेंट तो अच्छा है, लेकिन ये ब्रेकआउट होना चाहिए, क्योंकि ये अभी फंसा है कि रेसिस्टेंस पे नज़र फंस गया है। उसके बाद है अक्षय कुमार करके, SCL टेक के बारे में पूछा है उन्होंने। तो SCL टेक के बारे में देखता हूँ मैं, रिमूव टूल्स। तो SCL टेक के एक सपोर्ट के इधर आने के बाद थोड़ा सपोर्ट ब्रेक करके वापस ऊपर गया था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ SCL टेक के बारे में, वो ब्रेक करने का तो वापस उसने वो सपोर्ट को वापस उसने कवर किया है। तो इसमें बाय करते हैं तो इसका जो टॉप लॉस है आपका 898 होना चाहिए, और एक बार यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेगा वो 937। अगर 937 क्लियर करता है और उसके ऊपर अगर वो स्टडी होता है तो उसको बाद ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब जैसे कि शार्पली गिरा था वैसे ऊपर जा सकता है, 937 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच कर सकते हैं। तो मुझे अर्जुन मुक्तेवाल, उन्होंने PFC के बारे में पूछा है। तो PFC देखिए कि एक थर्सडे को एक सपोर्ट लिया था यहाँ पे और फ्राइडे को एक अनडिसाइड कैंडल दिया है, लेकिन ये जो उसका बहुत लंबा का सपोर्ट है वहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे बाय करना है तो 6988 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। ये रिकवर होगा तो यहाँ तक हो सकता है रिकवर, 87 तक रिकवर हो सकता है, क्योंकि बहुत ही गिरा है और ये जो सपोर्ट जो है बहुत ही लंबा का सपोर्ट है, शायद ले सकता है। बट टॉप लॉस भी ट्रिक्स एकदम स्ट्रिक्टली रखना। और फ्रेंड्स, मैंने जब लास्ट वीक में आपको जो दो स्टॉक के बारे में बताया था, जो जुबिलेंट फूड है, जुबिलेंट फूड का पूरा टारगेट हो गया, ये था ब्रेकआउट और रिटेस्ट था। तो वहाँ से जो पहला जो टॉप का मैंने बताया था वो टारगेट मोस्टली हो गया। और दूसरा मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट SRT फाइनेंस के बारे में बताया था कि जो ट्रेंड लाइन उसका गया था, देखिए तो ट्रेंड लाइन में नीचे एक बार ही उसने क्लोज दिया और डोजी कैंडल बना के वापस कवर हुआ। तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, तो यहाँ तक उसने कवर किया है, शायद यहाँ तक जा सकता है, ए लेवल तक जा सकता है। बट ये मेरा जस्ट रिकमेंडेशन था आपको
देखने के लिए कि आप देखो कैसा टेक्निकल वर्क्स होता है इसके लिए। और उसके बारे में मैं अभी मैं कुछ दो स्टॉक बताता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं टेक्निकली। तो ये ऐसा नहीं कि ये मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, जस्ट आप लर्निंग के लिए देखिए। तो उसमें से एक है एस बैंक, तो एस बैंक देखिए कि उसका एक सपोर्ट जो उसने यहाँ से रनिंग किया था, तो ये जो लास्ट जो कैंडल है अभी ये जो ग्रीन आया था लास्ट टाइम फ्राइडे को, तो यहाँ से रनिंग रहा तो फिबोनाची के 50% के इधर सपोर्ट लिया है उसने। दूसरा कि यहाँ पे जो एक ये था रेसिस्टेंट था वहाँ पे ही सपोर्ट लेके वो कवर कर रहा है, तो इसको वापस ऊपर जाने का चांस है। जो टॉप 369 बनाया था वहाँ तक वो जा सकता है, टॉप लॉस 327 का रहेगा। दूसरा स्टॉक है SBI, तो SBI भी देखिए कि अपने पहले लेवल से इसने ब्रेकआउट किया है। ये जैसे कि उसने एक डबल टॉप बना रहा था, बाद में वो ट्रिपल टॉप बन के हो गया और अभी इसने ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ये भी शायद यहाँ से ऊपर जा सकता है। जस्ट मैं ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, और मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि दोनों भी जो स्टॉक है एस बैंक और SBI, ये मेरे पोर्टफोलियो में बहुत दिनों से है, मेरे लॉन्ग टर्म पिक्स है, ऐसा कुछ मैं ट्रेडिंग के लिए लिया नहीं हूँ। तो और एक तीसरा भी आप स्टॉक देखेंगे HDFC बैंक, तो मोस्टली सभी तीनों भी बैंक स्टॉक है, एक यहाँ से कवर रहे हैं, तो शायद यहाँ से वो बैंक निफ्टी को भी कवर करे कि ये तीनों भी हेवी वेट स्टॉक है बैंक निफ्टी में, तो ये तीनों भी बैंक निफ्टी को कवर करेंगे, तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है कवर करने के लिए, और ऊपर के टारगेट भी आ सकते हैं जैसे कि हमने निफ्टी पे निकाले थे। तो ये मेरा टोटल रिव्यू है। नेक्स्ट एक आध हम लोग वीकली व्यू या एजुकेशनल व्यू में वापस मिलेंगे। मोस्टली मैं एजुकेशनल का मैं एक अपना वीडियो लाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए, वो कमेंट्स के जवाब मैं अपने वीडियोस में लाते रहूँगा। बहुत सारे लोग एजुकेशन वीडियो के लिए भी पूछते, मैं उनके कमेंट्स देखता हूँ। नेक्स्ट वीक में जरूर आ जाएगा, थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है इसलिए मैं खाली वीकली व्यू बना रहा हूँ अभी, लेकिन एजुकेशनल वीडियोज भी बनाऊँगा। और जिनको भी मेरे साथ आके प्रोफेशनल ये जो है कि टेक्निकलिसिस सीखना है और बहुत अच्छी तरह ट्रेडिंग करना है, तो आ सकते हैं हमारे INA ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में मुंबई में। मैं उनके डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो यहाँ के आके भी आप सीख सकते हैं मेरे साथ लाइव मार्केट में। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।